हेलो दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास ये है त्रिगीतम इंट्यूशन चैनल और इस पे आप आज देखने जा रहे हैं एक सीरीज़ एसपी पी बक्सी बुक जो है बहुत फेमस है अरिहंत का है उसमें वूकैब का हम लोग पूरा का पूरा करने वाले हैं एसपी पी बक्सी से और इसमें वूकैब का बहुत सारा पार्ट दिया हुआ है बहुत सारे चैप्टर्स हैं चार चैप्टर्स हैं टोटल और चारों चैप्टर्स के भी सब चैप्टर्स हैं कई चैप्टर्स में तो चलिए देखते हैं उसके लिए आज और ये अगर आप आप जानते ही होंगे ये जो बुक है वो एसएससी और आपका बैंकिंग प्लस आपका कैट वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और एक अभी एक यूपीएससी का आया हुआ है एक फॉर्म है ना यूपीएससी का एन्फोर्समेंट का फॉर्म आया हुआ है उसके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल बुक है तो चलिए इसका हम लोग पूरा सीरीज शुरू करते हैं आज से तो देखते हैं इसका आज जो है टॉपिक वो है सिनोनिम एंटोनिम और इसको अच्छे से देखेंगे हम लोग और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और मेरे पास जितना सारा नॉलेज है आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा आज तो चलिए शुरू करते हैं तो क्या कह रहा है आज का क्लास ये फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट यहाँ से आपका ये से शुरू होता है है सिनोनिम और एंटोनिम तो ज़रा देखते हैं क्या कह रहा है ये फर्स्ट वर्ड है आपका ऑकवर्ड क्या है ये ऑकवर्ड तो ऑकवर्ड का क्या मतलब होता है ऑकवर्ड का मतलब होता है भद्दा है ना क्या होता है भद्दा कुरुपता ऐसे बोलते हैं ना तो जैसे इसका एक सिनाम दिया हुआ रफ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि रफ बातें कर रहा है मतलब बहुत भद्दी बातें कर रहा है तो ऑकवर्ड का हो गया आपका रफ़ भी एक हो गया सिनानिम तो जरा देख लेते हैं क्या क्या Clumsy है क्लमसी है ऑकवर्ड का सिनानिम अनगेनली है ज़रा ध्यान से देखें इसमें गेंद छुपा हुआ है इसका कोई लेना देना नहीं है गेंद से इस गेंद से आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ ना करें इस अनगेनली का कोई लेना देना नहीं है इस गेंद से नथिंग टू डू विथ दिस गेंद ओके और नेक्स्ट है इसका पोंड्रस और रफ इसका एंटोनिम देख लेते हैं क्लेवर हो गया डेक्स्ट्रस हो गया डेक्स्ट्रस है ना डेक्स्ट्रस मतलब जो स्किलफुल लोग होते हैं है ना उसको भी बोलते हैं डेक्स्ट्रस और एक पढ़े होंगे आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए एक होता है एम बी डेक्स्ट्रस एम बी डेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों से इक्वली काम कर रहा होता है जो व्यक्ति दोनों हाथों से इक्वली काम कर सके उसको एम बी डैक्स्ट्रस बोलते हैं तो ये हो गए इसके एंटोनिम ऑकवर्ड का क्लेवर डेक्सट्रस एप्ट और स्किलफुल है ना? स्किलफुल में ध्यान रखें ये आपका स्पेलिंग चेक में पूछा जाता है डबल एल देकर के यहाँ लेकिन डबल एल यहाँ नहीं होता है ये आप ध्यान में रखेंगे तो चलिए इसको फिर से देख लेते हैं कि आ, इसका क्या है ऑकवर्ड का सिनानिम क्लमसी अनगेनली पोंड्रस और रफ और इसका एंटनिम है क्लेवर डेक्सट्रस एप्ट और स्किलफुल और चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है ये अपरेंट है ना ये क्या है अपरेंट अपरेंट का क्या मतलब होता है अपरेंट का हिंदी में अगर पूछा जाए तो इसको बोल सकते हैं सुस्पष्ट है ना बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट जो दिखाई दे, दे आपको या फिर इसको प्रत्यक्ष भी बोलेंगे हाँ प्रत्यक्ष भी बोलेंगे इसको तो इसका क्या क्या हो गया आपका सिनानी अपरेंट का तो देखिए एविडेंट ओबियस परसेप्टिबल ये परसेप्शन से है, है ना जो समझने योग्य होता है वो काफ़ी स्पष्ट होता है तो ये परसेप्शन से ही बना हुआ है परसेप्टिबल फिर डिस्टिंक्ट जो काफ़ी स्पष्ट हो सुस्पष्ट हो फिर इसका एंटनीम हो गया मास्कड मतलब जो छुपा हुआ हो मास्क में हो ऑब्सक्योर इनडिस्टिंक्ट और डाउटफुल फिर से एक बार देख लें अपेरेंट का क्या है आपका सिनानीम तो एविडेंट ऑब्वियस परसेप्टिबल डिस्टिंक्ट फिर इसका एंटनीम मास्कड ऑब्सक्योर इनडिस्टिंग्ट डिस्टिंक्ट का उल्टा हो गया इनडिस्टिंक्ट फिर डाउटफुल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका नेक्स्ट जो है वो है अल्योर क्या ये अल्योर देखिए ज़रा इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है लुअर इसको पढ़ते हैं लुअर है ना ये ल्योर नहीं पढ़ाता ये लुअर पढ़ाता है तो ये जो लुअर है और ये अल्योर ये दोनों का सेम मीनिंग होता है और इसका मीनिंग क्या होता है लुभाना क्या होता है उसका मतलब लुभाना ललचाना है ना जैसे कि देखते हैं इसका एंटाइस हो गया फसनेट हो गया टेम्प्ट हो गया सेड्यूस हो गया सेड्यूस का मतलब है ना क्या होता है बहलाना फुसलाना तो इसका बहलाना फुसलाना होता है मीनिंग और सेम तरीके का कुछ कोई चीज़ देख करके बहलाना फुसलाने के संदर्भ में तो ज़रा देखिए इसका एंटेनिम क्या हो गया रिपल्स रिपेल डेटर और डिसटेस्ट तो फिर से एक बार इसका देख लेते हैं कि क्या है अल्योर का सीनानिम एंटाइस फसिनेट टेम्प्ट सेड्यूस एंटेनिम क्या हो गया रिपल्स रिपेल डेटर डिस्टेस्ट नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या है अबोटिव क्या है अबोटि अबोटि का क्या मतलब होता है तो जैसे कोई काम असफल हो जाता है निष्फल इसको बोल सकते हैं ना जिसका कोई फल ना निकले कोई काम का निष्फल हो जाता है उसको अबोटी बोलते हैं है, है ना अबोर्सन वर्ड सुने होंगे सिमिलर मीनिंग है सेम मीनिंग है लगभग तो अबोटी अबोटी एक चीज़ और बोला जाता है जैसे जो अबॉर्सन का जो दवाई होता है ना आप लोग जानते ही होंगे तो उसका जो मेडिसिन होता है अबॉर्सन कराने के लिए उस मेडिसिन को भी अबोटी ही बोलते हैं मतलब वो क्या कर रहा है वो दवाई किसी चीज़ को निष्फल होने में मदद कर रहा है इसलिए उसको अबोटिव बोलते हैं दूसरा मीनिंग इसका हो गया निष्फल के संदर्भ में देखते हैं इसका सिनोनिम क्या है वेन है जिसको व्यर्थ बोलते हैं ना यूजलेस हो गया फ्रूटलेस हो गया अनप्रोडक्टिव हो गया तो ये अबोटिव का क्या है सिनोनिम हो गया एंटोनिम देखते हैं तो एफेक्चुअल मतलब जो अफेक्ट करे आपको कोई काम आपको मतलब सफल बनाए तो उसको एफेक्चुअल बोलेंगे फिर प्रोडक्टिव हो गया अनप्रोडक्टिव का जस्ट एंटनिम फिर सक्सेसफुल हो गया फिर प्रोग्रेसिव हो गया तो ये अबोटिव के बारे में था फिर देखते हैं अबोमिनेबल ये क्या है अबोमिनेबल है तो अबोमिनेबल का क्या मतलब होता है तो इसका मीनिंग होता है वेरी बैड है ना वेरी बैड होता है जैसे अनप्लीजेंट होता है ये अनप्लीजेंट होता है और इसको अगर हिंदी में बोलें तो बहुत ही घृणित काम जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो वो होता है और देखते हैं इसका अब क्या है एबोमिनेबल एक मिलता जुलता नाम है ना एबोमिनेबल से वो है आपका डेस्पी केबल डेस्पी केबल है ना डेस्पी केबल है और सेम मीनिंग देता है ये घृणित है ना डेस्पी केबल और एबोमिनेबल दोनों सेम मीनिंग देते हैं आपको मतलब वही घृणित कार्य को बोलते हैं एबोमिनेबल डेस्पी केबल तो इसका देख लेते हैं सिनोनिम क्या कह रहा है सिनोनिम में इसका ओडियस डिटेस्टेबल रिपगनेंट अवर्जन है ना अवर्जन जो डिसलाइक बोलते हैं ना मतलब घृणित के संदर्भ में तो अब का हो गया आपका सिनानिम ओडियस डिटेस्टेबल रिपग्नेंट अवर्जन और इसका एंटरनिम क्या हो गया लाइक प्लीजेंट अफेक्शनेट है ना अफेक्शनेट काफ़ी प्रेम करने वाले लोगों को बोला जाता है फिर इंजॉयबल तो ये हो गया इसके एंटरनिम फिर देखते हैं अले ये क्या है एले है ना एले पढ़ते हैं अगर आप लोग सदगुरु को फॉलो करते होंगे तो सॉन्ग सुने होंगे एले 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 करके एक सॉन्ग है तो चलिए वो बात की बात है फिर एले हो गया ये तो एले का क्या मतलब होता है किसी चीज़ को शांत करना है ना तो किसी चीज़ को शांत करने को एले बोलते हैं और इसका सिनोनिम देखते हैं पैसिफाई सूत लाइटन असवाज है ना और इसका एक और मुझे याद आ रहा है अभी एक इसका वर्ड होता है सिनोनिम होता है वो होता है एलेविएट क्या होता है वो एलेविएट एलिविएट का मतलब भी होता है शांत करना किसी को कम करना जैसे दर्द को कम करना है ना एलिविएट करना तो इस वर्ड के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं ज़रा देखिए क्या कह रहा है ये वर्ड इस वर्ड में आपका एक लेवी वर्ड छुपा हुआ है, है ना ये लेवी और इसी वर्ड से बना होता है आपका लिवाइस का कंपनी इसी से बना हुआ है लिवाइस लिवाइस के ऊपर में यहाँ ऐसे रहता है ना तो ये लिवाई वर्ड से ही बना होता है लेवी बोल सकते हैं इसको तो इसका मतलब होता है हल्का जैसे लिवास के कपड़े बहुत हल्के होते हैं शायद ये कॉन्सेप्ट से बनाया गया होगा उस कंपनी का नाम तो ये एलिविएट का मतलब होता है क्या किसी चीज़ को कम करना शांत करना तो एलिविएट का मतलब आप लोग समझ गए और ये रूट वर्ड था इसमें छुपा हुआ लेविया लिवाय बोल सकते हैं उसको फिर इसका एंटनीम क्या हो गया एग्रवेट किसी चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देना फिर हाइटन फिर एजिटेट फिर एक्साइट इसके हो गए एंटनीम और एक बात मैं बता दूं आपको कि एंटनीम याद करने की चीज़ नहीं होती है बस सिनानिम पे आप लोगों को फोकस करना चाहिए एंटेनियम खुद ब खुद आ जाते हैं और एंटेनियम आप ख़ुद से सीख सकते हैं बस सनानिम को याद करके लेकिन यहाँ दिया हुआ है तो मैं ऐसे पढ़ते ही जा रहा हूँ उसको लेकिन ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको सिनानिम के बारे में चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है तो नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका एक्सीोम क्या है एक्सीोम है ना एक्सीोम का मतलब क्या होता है एक्सीोम का मतलब होता है कि Uh, कहावत जानते हैं ना आप लोग कहावत जो हिंदी के कहावत होते हैं और प्रोभर्ब प्रोभर्ब तो लोकोक्ति को बोला जाता है तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो है कहावत है ना कहावत लोकोक्तियाँ भी बोल सकते हैं कई मायने में तो इसका जो हम लोग uh, कहावतें सुनते हैं कई तरह के है ना तो जैसे ए, एक कहावत है कि नीम हकीम खतरे में जान है ना अ लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग तो उस टाइप के चीज़ जो होते हैं वो एक्सीयम होते हैं कहावत होते हैं तो ज़रा देखिए इसका सिनानिम क्या कहता है मैक्सिम सेइंग डिक्टम है ना डिक्ट से बना है ये वर्ड डिक्ट मतलब किसी चीज़ को कहना फिर ये ट्रूथ होता है डिक्ट वैसे एक डिक्टेशन uh, हम लोग करते थे ना बचपन में सर लिखवाते थे कॉपी में और हम लोग डिक्टेशन करते थे तो लिखते थे वो बोलते जाते थे हम लोग लिखते थे तो ये कहने से रिलेटेड है ना तो डिक्टम वैसे ही बना फिर ट्रूथ हो गया फिर इसका एंट्रिम देखिए एब्सर्डिटी है ना एब्सर्ड चीज़ों से जो होता है फिर ब्लंडर फिर रेड्यूकलनेस देखिए इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट भी है मतलब इसको याद रखना ज़रूरी भी है एंटोनीम को इस इस एक्सीम के लिए क्यों क्योंकि मान लिया जाए एक्सीम का आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाए एंटोनियम तो आप एब्सर्ड को देख करके अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हो सकता है एब्सर्डिटी फिर ब्लंडर को देख करके फिर रिडिकुलसनेस uh, को देख करके फिर इलेवेंट को देख करके तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं कभी कभी दे दिए जाते हैं एग्ज़ाम में तो इसको भी आप याद करने की कोशिश करें ये इंपॉर्टेंट है ये एंटोनीम इसके फिर नेक्स्ट है एसी है ना क्या है असी जूएस आसी जुएस भी इसको पढ़ते हैं एसी भी इसको पढ़ते हैं तो कुछ भी पढ़िए पढ़ने से कोई उतना ज़्यादा मतलब नहीं है एग्जाम में आपको बस टिक लगाने होते हैं सिनानीम और एंटनिम तो एसी का मतलब होता है परिश्रमी मेहनती है ना मेहनती और परिश्रमी होते हैं असी अब जरा देखिए इसका क्या क्या दिया है सेनानीम तो कॉन्सटेंट है डिलीजेंट है, है ना डिलीजेंट नहीं डिलीजेंट है ये फिर अटेंटिव है फिर परसिवरिंग है ना जो निरंतर काम कर लगनशील लोगों को है ना परसिवरेंस जो होता है वो लगन होता है ना तो जो लगनशील होते हैं काफ़ी देर तक अच्छे से काम करते रहने वाले को परसिवरिंग बोलते हैं फिर देखिए एंटनीम में हो गया इसका इनडिफरेंस है ना इनडिफरेंस का मतलब होता है कि नो फीलिंग वाले लोग इनडिफरेंट उसको बोलते हैं ना नो फीलिंग वाले लोग को भी बोलते हैं इनडिफरेंट और फिर इसका केयरलेस हो गया इंडोलेंट हो गया इंडोलेंट और लेथार्जिक हो गया इंडोलेंट और इन, लेथार्जिक इसका क्या मतलब है कि काफ़ी सुस्त लोग लेजी लोग हैं ना तो उस अर्थ में लिया जाता है फिर एब्ज्योर हो गया आपका एक बात यहाँ ध्यान रखें एबज्योर आ गया तो अब्ज्योर और एक होता है वर्ड ऐसे ही एडज्योर ये बी के जगह में सिर्फ ये आपका डी आ गया है एडजियोर तो ये काफ़ी मीनिंग में डिफरेंट होते हैं इसके तो जरा देखिए एब्जियोर का मतलब होता है किसी को रिजेक्ट कर देना है ना रिजेक्ट मतलब अस्वीकार कर देना अस्वीकार तो उसका उसके मीनिंग में ये और देखते हैं क्या होता है फिर इसका जो सेनानीम दिया हुआ है वो है फोरसेक फिर रिनाउंस किसी को त्याग देना है ना फिर रिट्रैक्ट फिर रिवोक तो ये सब चीज़ें हैं अबज्योर के आपके सिनानीम और इसका अब्ज्योर का क्या मीनिंग बताया किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना अस्वीकार कर देना और अगर इसका आप याद रखना चाहें अबज्योर का तो आप याद रख सकते हैं फोरगो एक होता है ना क्या होता है फोरगो जाने देना किसी चीज़ को छोड़ देना फिर एक गिवअप भी होता है एक स्टैंडर्ड वर्ड इसके लिए आता है रेलिंग क्विज़ क्या होता है रेलिंग क्विज किसी चीज़ को छोड़ देना जैसे कुछ गलत चीज़ों को छोड़ देने के संदर्भ में भी रेलिंग क्विज बोलते हैं तो अब इसके लिए आप याद रख सकते हैं है ना रेलिंग क्विज अब मैं बताया था अड ये अब से कन्फ्यूज ना करें अडजोर का मतलब होता है किसी चीज़ को अपील करना याचना करना है ना आचना प्रार्थना करना तो ये अडजोर के संदर्भ में होता है तो अब और अडजोर में आप लोग को कन्फ्यूज नहीं करना है फिर इसका एंटरनीम देखते हैं इसका एंटरनीम दिया अप्रूव सेंक्शन पेट्रोनाइज अडोप्ट तो ये इसके एंटनिम हो गए फिर ऑब्जेक्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट बोला जाता है जैसे कुछ नीच लोग होते हैं ना नीच अधम जिसको बोलते हैं नीच अधमी लोग तो उसका ये मीनिंग हो गया ऑब्जेक्ट का डेस्पिकेबल इसका सीनानिम हो गया सर्वाइल सर्वाइल मतलब समझ रहे हैं किसी चीज़ का किसी तलवे चाटने वाले लोग जैसे बूट लेकर होते हैं तो वैसे लोगों को कहते संदर्भ में ये सर्वाइल वर्ड आता है बेस मतलब नीच लोग फिर कंटेम्पटल कॉन्टेम्पटिबल जो है ऑब्जेक्ट का एक सिनानिम है फिर इसका एंटरनिम देखिए इसका एंटरनिम क्या है आपका इसका है एग्जॉल्टेड है ना क्या है एग्जॉल्टेड फिर आपका हो गया कमेंडेबल जिसका कमेंड किया जा प्रशंसा प्रशंसनीय है ना फिर आपका प्रेज वर्दी सेम चीज़ है फिर इम्पोजिंग अच्छी वर्ड है ये तो इस तरीके से इसका आप याद रख सकते हैं तो ऑब्जेक्ट का हो गया सिनानिम और एंटरनिम दोनों हो गए इसके और ऑब्जेक्ट एक और संदर्भ में लिया जाता है वेरी बैड के संदर्भ में डेस्पिकेबल देख चुके हैं हम लोग इसके पहले किसी का सीना है ना और वेरी बैड अनप्लीजेंट वैसे संदर्भ में आप ले सकते हैं ऑब्जेक्ट का मीनिंग फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है अवर्जन है ना अवर्जन मतलब घृणा करना या डिसलाइक करना तो हेट्रेड हो गया ये घृणा द्वेष इनडिफरेंट है ना अपैथी देखिए इनडिफरेंट का एक वर, और भी वर्ड होता है एक वर्ड बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड है स्टोइक ये क्या है स्टोइक वर्ड है तो स्टोइक का मतलब होता है इनडिफरेंट इनडिफरेंट मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता हो मान लिया जाए कोई व्यक्ति रास्ते में चल रहा हो किसी का एक्सीडेंट हो गया उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो वहाँ रुकता तक नहीं है अगर कोई ब्लीड कर रहा होता है तो वो देखता तक नहीं है कि छोड़ यार होते ही रहता है ज़माने में तो ऐसे लोग को इनडिफरेंट बोलते हैं स्टोइक बोलते हैं तो ये वर्ड आप याद रखें जैसे जिसमें उत्साह हो ही नहीं उत्साहहीन लोग है ना तो ऐसे लोगों को स्टोइक बोलते हैं उत्साहहीन लोग तो इसका एक अच्छा वर्ड है ये तो अवर्जन का इतने सारे क्या हो गए सिनानीम फिर एंटनीम देखिए अफेक्शन है ना फोंडनेस फिर नाइसनेस फिर लाइकिंग ये अच्छे वर्ड हैं फिर ऑथेंटिक ऑथेंटिक का क्या मतलब होता है ऑथेंटिक का मतलब होता है आप बोल सकते हैं कि विश्वसनीय है, है ना जिस पर विश्वास किया जा सके जैसे जेन्यून हो गया रिलायबल हो गया असली चीज़ों को भी बोलते हैं आप ऑथेंटिक ये ऑथेंटिक चीज़ ये असली चीज़ें है, है ना फिर अब क्या हो गया इसका वैलिड फिर गारंटिड फिर इसका एंटनिम हो गया फिक्टिशियस फिक्टिशियस मतलब फेक चीज़ फिर काउंटरफिट डुप्लीकेट चीज़ जिसको बोलते हैं ना फिर अनरियल फिर फॉल्स इसके एंटनिम हो गए तो ऑथेंटिक देख लिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है आपका ऑडेसिटी क्या है ऑडेसिटी है ना छप्पन इंच वाले हमारे मोदी साहब समझ रहे हैं तो वैसे लोगों को बोलते हैं ऑडेसिटी मतलब काफ़ी साहस साहस को बोलते हैं मर्दानगी को बोलते हैं ऑडेसिटी राइट right. अब चलते हैं इसका देख लेते हैं क्या है सिनानिम तो बोल्डनेस साहसी लोग को बोलते हैं साहस को बोलते हैं एरोगेंस इंसुलेंस हॉटनेस ये हॉटनेस भी बहुत ही अच्छा वर्ड है इसको आप ध्यान में रखें हॉटनेस का मतलब होता है साहस और ये इंसोलेंस अब कंफ्यूज ना करें एक वर्ड है इंडोलेंस क्या है इंडोलेंस तो ये इंसोलेंस से कंफ्यूज ना करें इंडोलेंस का मतलब होता है क्या होता है उसका मतलब लिथार्जिक लोग मतलब सुस्त uh, sust, सुस्ती को बोलते हैं ना सुस्ती को बोलते हैं लेजीनेस को बोलते हैं इंडोलेंस और इंसोलेंस का मतलब काफ़ी ऑडेसिटी लोग ऑडेसिटी मीन्स काफ़ी साहसी लोग और फिर देखिए जस्ट इसका सासी का उल्टा माइल्डनेस ह्यूमिलिटी कोवाडाइस है ना कावाइाइस भी बोलते हैं कावडाइस फिर सब मिशन जो सब मिसीव करते रहते हैं हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं वैसे सर्वाइल लोगों को के लिए वड है सब मिसीव सब मिशन जी हजूरी करने वाले लोगों के लिए फिर देखिए फिर ये अस्ट्यूट है क्या है अस्ट्यूट है अस्ट्यूट का मतलब देखिए बहुत ही एक अच्छा वर्ड है अस्ट्यूट का मतलब होता है जो काफ़ी तीव्र दिमाग के होते हैं वैसे लोगों को बोला जाता है जैसे क्लेवर हो गया इसका सीनानी इंटेलिजेंट हो गया वाइज हो गया ब्रिलियंट हो गया तो वो अस्ट्यूट होते हैं है ना अक्यूट भी ले सकते हैं इसका मीनिंग अक्यूट ठीक है और अगर आप इसका और जानना चाहते हैं तो क्या हो सकता है जैसे अस्ट्यूट का एक हिंदी मीनिंग बोल सकते हैं चतुर है ना बहुत चतुर होते हैं और इसका और भी आप याद रख सकते हैं जैसे एक वर्ड आता है सेवी इसमें देख रहे हैं डबल वी है तो सेवी भी होता है वो अस्ट्यूट होता है, है सिननीम होता है मतलब चतुर लोगों को बुलाता है फिर एक वर्ड होता है स्रीवड क्या होता है स्रीव्ड एक वर्ड है तो इसका भी मतलब क्या होता है आपका चालाक के अर्थ में लिया जाता है फिर एक वर्ड आता है आपका एक क्राफ्टी है ना क्राफ्टी क्राफ्टी एक वर्ड आता है तो ये सारे इसके सिनोनिम हो गए बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड हैं ये सब ये सब इसमें तो नहीं दिया है तो काफ़ी आसान दिया क्लेवर इंटेलिजेंट वाइट वाइज ब्रिलियंट तो कोई भी जान सकता है लेकिन ये सैवी स्रीड क्राफ्टी ये इन जनरल मतलब लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में एक और वर्ड होता है रोग नाम सुनने में लगता है ना रोग अजीब सा लेकिन ये रोग का मतलब भी होता है चतुर आर वो जी यू फिर एक वर्ड होता है विली मुझे ऐसा क्यों याद है मैं बताता हूँ इसके इसके बारे में क्योंकि इस वर्ड का ना मैं एक ट्रिक बना रखा था मैं कभी बता दूँगा तो ट्रिक के क्लास में बताऊँगा तो वो मुझे बहुत अच्छे से याद है तो इसलिए मुझे काफ़ी इसके सिन याद हैं बहुत सारे वर्ड का मैं ऐसे ही ट्रिक के तरीके से याद किया बस पच्चीस सेंटेंस रट्टा मारा हूँ और तो आप लोग को पता ही है किसी नैनीम एंटेनिम्स और रट्टे मार्च का खेल है तो 25 बस 25 वर्ड का रटाऊँ उसमें से मुझे लगता है ढाई सौ वर्ड के आसपास मुझे याद हो गया यूं ही तो 25 सेंटेंस मैंने खुद से बनाए हैं तो मैं कभी ट्रिक के क्लास में देख लूँगा इसको आप इसको जस्ट अभी एसपी पी के नाम पर फॉलो करें इस सीरीज़ को फिर देखिए एस्ट्यूट का क्या हो गया आपका एंटनिम तो इसका हो गया डल फिर अन फिर शैलो सॉलिड सेलो देखिए सैलो का मतलब होता है कम गहरा चीज़ जैसे कोई नदी है तो कोई तालाब है शैलो है मतलब कम गहरा है मतलब किसी का कम गहरा समझ को भी तो बोल सकते हैं क्लेवर लोगों का जस्ट उल्टा तो उस संदर्भ में ये फिर है अबेटर नेक्स्ट वर्ड है क्या आपका अबेटर है है ना अबेटर है तो अबेटर का क्या मतलब होता है देखिए इसका मतलब होता है ना जो आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं और आपको कोई साथ निभाएं तो उसको बोलते हैं अबेटर तो अबेटर का मतलब हो गया कि गलत कामों में साथ देने वाला साथी समझ रहे हैं सहयोगी और इसको निगेटिव अर्थों में लिया जाता है जैसे यहाँ पे कलीग दे रखा है तो कलिग निगेटिव अर्थ में नहीं लिया जाता है लेकिन इसका भी मतलब सहयोगी होता है इसका मतलब भी सहयोगी होता है तो ये आपस में सेनानिम हो सकते हैं लेकिन इसका अर्थ लिया जाता है निगेटिव में इसका अर्थ लिया जाता है पॉजिटिव में फिर देख लेते हैं क्या है इसका सिनानिम तो असिस्टेंट एक्कम्पलीस देखिए एक्म्पलीस में आप ध्यान रखें मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि स्पेलिंग चेक में आपका आ जाता है स्पेलिंग एरर वाला में जो आता है एक टॉपिक है आपको पढ़ना तो उसमें देखिए एक वर्ड होता है एकम्प्लिश एक्कम्प्लिश और ये अकम्प्लिस है इसका मतलब सहयोगी होता है लेकिन इस अकम्प्लिश का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना समझ लें अब तो किसी चीज़ को पूरा कर लेना तो ये दोनों में कन्फ्यूज ना करें फिर अबेटर हो गया अबेटर का असिस्टेंट एक्म्प्लीस कलीग और एसोसिएट इसका मतलब नहीं होता है ये वाला एकम्पलिश एसोसिएट हो गया फिर इसका एंटरनीम हो गया ओपोनेंट एडवर्सरी मतलब जो आपके खिलाफ हो ओपोनेंट सहयोग ना करे एडवर्सरी एंटागोनिस्ट काफ़ी अच्छा वर्ड है ये एंटागोनिस्ट फिर राइवल है ना तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है अबेट नेक्स्ट वर्ड है आपका अबेट अबेट का मतलब होता है कम हो जाना जैसे किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट कम हो जाना बच्चों की पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो जाना तो अबेट बोल सकते हैं या तो फिर बाढ़ का कम हो जाना है ना फ्लड का कम हो जाना उसको भी बोल सकते हैं कि अबेट हो, हो गया धीरे धीरे तो अबेट का इस अर्थ में लिया जाता है इसका सीनानी देखते हैं मॉडरेट हो गया मॉडरेट के बाद आपका मिटिगेट हो गया काफ़ी अच्छा वर्ड है लेसन हो गया फिर आपका डिक्रीज हो गया फिर एंटनी हो गया अग्रवेट इंटेंसीफाई ऑगमेंट काफ़ी फेवरेट वर्ड है मेरा ये ऑगमेंट काफ़ी बार आपको द हिंदू में रिपीट होगा ये ऑगमेंट फिर है सप्लीमेंट तो चलिए देखिए सप्लीमेंट आप अंदाजा लगा सकते थे कि अबेट का कभी कम होने का कभी सप्लीमेंट हो सकता है तो कई बार ऐसा होता है कि कई वर्ड से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता तो आप इसको डायरेक्ट रट्टा मार सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं खैर सुनते सुनते ऐसे वीडियो देखते देखते आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड रिपीट हो जाएंगे औ कि आपको बहुत चीज़ें ऐसे फ्लुएंस हो जाएंगे आप इन सारे वर्ड्स को लेकर के और मैं काफ़ी बार रिपीट भी कर दूंगा पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको पता चलेगा ठीक है तो चलिए देखते हैं फिर है अरयन एक क्या वर्ड है अराइन है ना अरेइन भी बोल सकते हैं अराइन भी बोल सकते हैं जैसे भी पढ़ना है पढ़ लो और जहाँ ज़्यादा इशू खड़ा होता है बोलने को लेकर के वहाँ मैं खुद सतर्क रहता हूँ तो ज़रा देखिए अराइन हो गया तो अराइन का क्या मतलब होता है किसी को कलंकित करना जैसे बोलते हैं ना लाछन लगाना देना किसी पर दोषी ठहराना तो उसको अराइन बोलते हैं तो देखिए चार्ज है ना किसी पर चार्ज लगाना चार्ज मतलब जैसे बोलते हैं ना अब किसी को केस वेस जो फाइल होता है दर्ज होता है एफ वगैरह तो उस केस में क्या होता है कि चार्ज लगा देते हैं मतलब दो सारा ओपन कर देते हैं एक तरह से ब्लेम हो गया अक्यूज हो गया कंप्लेन हो गया फिर देखिए फिर इसका एंट्रीम हो गया एक्सकल्पेट ये एक काफ़ी अच्छा वर्ड है एक्सकल्पेट मतलब किसी को दोष से मुक्त कर देना है ना फिर पाडन फिर कंडोन फिर एक्जोनरेट किसी को बरी कर देना के संदर्भ में होता है एक्जनरेट तो ये भी याद रखें अपैथी देखिए अपैथी और एक होता है एंटीपैथी तो ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है ठीक है एंटीपैथी और अपैथी में तो इसमें एक आपका छुपा हुआ है देखिए इस वर्ड में ये पैथी वर्ड छुपा हुआ है ना एंटीपैथी में भी पैथी पैथी का मतलब होता है फीलिंग अपैथी मतलब जिसमें बिल्कुल ही फीलिंग ना हो इनडिफरेंट पर्सन हो इसके लिए एक वर्ड पहले बता चुका ना स्टोइक होता है तो ये अपैथी इस संदर्भ में लिया जाता है लेकिन एंटीपैथी मतलब होता है दुश्मनी टाइप का आप, कि कोई आपसे दुश्मनी ले रखा हो तो उस टाइप में लिया जाता है एंटीपैथी और ये अपैथी लेकिन काफ़ी संदर्भ में अपैथी और एंटीपैथी को सेम माना जाता है बहुत माइनर सा इसमें डिफरेंस है तो वो आपके एग्जाम के हिसाब से इतने माइनर डिफरेंस नहीं पूछे जाएंगे कई बार अपैथी का सिनानिम एंटीपैथी भी दे सकता है तो उससे आप कन्फ्यूज ना हो फिर आपका हो गया सिनानिम सिनानिम देख लेते हैं अपैथी का अनकंसर्न है ना इनडिफरेंस इनसेंसिटिविटी फिर अलूफनेस अलूफ का मतलब होता है अलग थलग रहना किसी से तो अलूफनेस हो गया फिर इसका एंटनीम हो गया कंसर्न हाँ जिसको कंसर्न हो किसी को मतलब हो थोड़ा सा केयर करना एंग्जाइटी हो गया एंग्जाइटी हो गया फिर इगरनेस काफ़ी उत्सुकतापूर्वक फिर एलियन है, है ना एलियन तो आप लोग जानते ही हैं अजीब सा कोई बाहरी देश से आ जाए तो उसको एलियन बोलते हैं फॉरेनर जैसे हो गया आउटसाइडर हो गया स्ट्रेंजर हो गया एमीग्रेंट काफ़ी अच्छा है ये देखिए एमीग्रेंट और इमीग्रेंट दोनों सेम नहीं हैं ये चीज़ आप ख्याल रखें तो देखिए इमीग्रेंट का क्या मतलब होता है इमीग्रेंट का मतलब होता है अगर अपने देश से कोई बाहर जाता हो ध्यान रखें कोई अपने देश से बाहर गया हो तो उसे बोलेंगे वो इमीग्रेंट हो गया है ठीक है इसमें कंफ्यूज ना करें तो बाहर जाने वाले को बोलते हैं इमीग्रेंट ठीक जैसे परदेसी जैसे बोलते हैं कि है ना किसी का हस्बैंड बाहर जाते हैं तो रोजी रोजगार के लिए तो वो परदेसी कहलाते हैं अपने गांव के लिए तो बाहर वो बाहर गए हुए को बोलते हैं इमीग्रेंट और कोई बाहर से अंदर आने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे इमिग्रेंट जैसे फॉरेनर फॉरेनर लोग बाहर से आते हैं ना अपने देश में तभी तो उसको बोलते हैं बी देशी अपने देश का नहीं है तो इसलिए इसका सिननीम है इमिग्रेंट मतलब आने वाला और इमिग्रेंट मतलब अपने देश से छोड़कर बाहर जाने वाले को बोलते हैं तो ये डिफरेंस आप ख्याल रखें कई बार एग्जाम में पूछ देता है वन वर्ड सब्सिचुएशन में तो आप इसको ध्यान रखें फिर इसका एंट्रीम हो गया नेटिव जो खुद वहाँ के हो फिर सिटीजन फिर रेसिडेंट फिर ऑक्यूपेंट है ना तो ये हुए आज के क्लास और मैं आगे का क्लास में देखूँगा ये से जितना बचा हुआ पार्ट है फिर इसी तरह से देखते हैं ये सीरीज को कैसे कम्प्लीट करते हैं हम लोग अच्छा ही लगेगा आपको ये पूरा सीरीज़ फॉलो करने के बाद काफ़ी कुछ सीख जाएंगे काफ़ी वर्ड से आप फेमिलियर हो जाएंगे चलिए आज का क्लास यहीं रहा